बादाम के जैसा लग रहा है मुझे। बादाम का एलोवेरा का पेड़, पेड़ के अंदर से निकलते है। जड़ कहाँ है इसकी? पेड़ के अंदर से निकल रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रिजवासी ब्लॉग। और हम लोग जा रहे हैं रानीखेत। चलिए रानीखेत घूम के आते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ पे। पहुँच गई है सर रानीखेत। उतरो पे अब जो होता है यहाँ पे रानी कौन है और खेत कौन है। अरे खेत की रानी, रानी मेरी माँ और बाइक। रानीखेत में एंटर कर गए अब हम। खेत दे रहे माने वो कहाँ सी लगी है। भारत का नक्शा है पूरा। एकदम सीधे के सीधे पेड़ हैं, पता नहीं किसके हैं। नेचर हाँ, वो सालक और सी चीड़। इफ ये लोग बोल रहे हैं कि यही रानी खेत होती है सालक। अच्छा, चीड़ के कश्मीर में मिलते हैं ये भी है, तो पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। यूनिट रन कैंटीन, आर्मी कैंटीन है ये। ये आर्मी स्कूल लग रहा मुझे। आर्मी है यहाँ वो, ये आर्मी इलाके में चल रहा है। देखो देखो दीवानी फौजदार, फौजदारी क्या है इसे। अदालत ऐसी है यहाँ पे छोटी सी। नर्सिंग स्टेडियम, नर्सिंग जज वगैरह की गाड़ी। नानाजी का स्टेडियम, नर्सिंग 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 स्टेडियम, कुमाऊं रेजिमेंट, मनकामेश्वर मंदिर, ये पार्किंग एरिया नीचे की साइड। सबमिट करना होगा। यहाँ मंदिर है कोई? नानी के लिए बोटिंग भी करते हैं। झूला देवी मार्केट आ गई भाई। में सिर में दर्द हो गया तो घूम रहे रानी खेत भैया। ऐसा ही है ये तो मार्केट वगैरह। हाँ, यहाँ पे कोई मेन जगह पता चली है घूमने की? वहीं तो पूछना पड़ेगा। ये मेन रानी खेत में आ गए तो ऐसे चलते हैं भैया। पूछ ले फिर, घूमने का काम चल रहा है। पूछ लो को ये यहाँ पे, ये तो मेन मार्केट आ गई है यहाँ पे। होटल का यहाँ पे भी है, आगे ले लो कहीं, पूछ लेते हैं कोई। ये तो धुआंधार पार्किंग हो रखी है सदर बाजार। ऐसे तो हजारा पॉइंट है, वो कछू ना है वो। मार्केट है ये तो, नॉर्मल हमारी मथुरा की तरह ही है सब। गोल्फ कोर्स रानी खेत, गोल्फ कोर्स तो आगे पड़ेगा। कैफे वैफे कोई देखने की चीज नहीं है। यहाँ पे रानी खेत में इतनी सारी जगह बता रहे थे, वीडियो निकाल निकाल के देखी, जैसे कि पता नहीं रानी खेत नहीं हो गया, कोई कश्मीर हो गई, कुछ नहीं है ऐसा कोई खास। लोग भी देखते ही आ रहे हैं ना, कितने तो सुंदर सुंदर जगह। चल रहे हैं यहाँ पे, सीधे ही चलो सीधे ही। यहाँ से 700 मीटर है गोल्फ कोर्स, कुमाऊ रेजिमेंट एनवायरमेंटल एनवायरमेंट पार्क। देखो यहाँ और भी गाड़ियाँ आई हुई हैं। क्या लग रहा है 500 रुपये जुर्माना? अच्छा, कूड़ा फेंकने पे। हम तो ये है गोल्फ कोर्स, गोल्फ का ग्राउंड है ये बहुत बड़ा। अब ये गोल्फ कोर्स ही है करके बनाया था ये। हाँ, ये गोल्फ कोर्स ही चल रहा है ये पूरा। इधर भी गोल्फ कोर्स है,
गोल्फ खेलने वाले लोग आते हैं आगे से मोड़ ली हूँ और क्या, अंदर तो कुछ ने दे नहीं रहे, फिर क्या करेंगे खड़े होकर। अंदर से कोई आर्मी वालों का है ये, इसमें एंट्री तो है ही नहीं कहीं भी, आर्मी के अंदर में है पूरी जमीन पूरी। ये है गोल्फ कोर्स पूरा इलाका, एशिया का नंबर वन, काय बात से एशिया का नंबर वन बोला गया है इसे एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। बाकी जवान ते कछु निकल रहो कैबे में गोल्फ कोर्स के बाद हम जा रहे हैं रानीखेत में, जो झील बताई गई है वहाँ पे, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। भी कहाँ है यहाँ पे झील, आगे तो नहीं है, ये रही है, रही है तो झील 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 नीचे, ये रही झील। अरे वो भी है इसमें तो बोटिंग करेंगे। अरे वो भी है यार, ये वाली झील है रानीखेत की छोटी सी, इसके लिए आए थे लोग और क्या। ये झील है, अच्छा मोड़ तो आगे भी है एक, यहाँ कर सकते हैं ना आंटी, हमसे मैट लेंगे आंटी, चलो तुम भी चल लो। कोई पार्किंग वगैरह बना ही ना इनने, देखो फंसे पड़े हैं, हम लोग रानीखेत झील आए हैं और सामने देखिए कितना ट्रैफिक है। आप अपने रिस्क पे आइएगा अगर गाड़ी से अगर आप आते हैं, क्योंकि सिंगल रोड है, बहुत ही छोटी रोड है और गाड़ी मोड़ना भी बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे, तो आप सोच समझ के आइएगा या बाहर पार्क करके आइएगा। हाँ तो क्या हो गया, ऑटो मुझे झूल झील में जो है थोड़ी सी बोटिंग करके आने दो। चलो प्रति एक्टिविटी शुल्क 150, 150 रुपये शुल्क है, यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी भाई, टिकट लेनी पड़ेगी। हम लोग आ गए हैं रानीखेत की झील में, अब यहाँ पे क्या बचा देखने के लिए, कुछ भी नहीं, हम बचे हैं देखने के लिए। नीचे जा रहा हूँ मैं तो, नीचे क्यों, देखने झील में कैसा है, इनसे पूछें क्या है क्या नहीं, क्या ये क्या टिकट लेनी पड़ती है इसके लिए, 150 में चार लोग टिकट, इस वाली में कौन सी में पकड़ पकड़ फोन पकड़, इस वाली में चार लोग कहाँ पाएंगे, चार लोग इसमें आ जाएंगे ना, एक उधर बैठेगा एक उधर, एक चार लोग लिया बोलो, हाँ ठीक है चार लोग आ जाएंगे इसमें 150 रुपए। देखो कितने अच्छे अच्छे हो रहे हैं गुच्छे बने हुए फ्लावर के, ऐसे भैया अपने मथुरा में होते हैं, होते हैं मुझे ना नहीं बोल सकते आप, बोल देते नहीं होते, क्यों बुराई करूं मजा आता है बुराई करने में। मछलियाँ भी हैं भाई कलरफुल, रानीखेत में झील के अंदर मछलियाँ, हमारी वाली कौन सी है, चार लोगों की बता रहे थे आप, 22 नंबर लिया था, आइए सर 23 नंबर लगे हमारे, 23 नंबर आपकी का, हाँ जा भाई जी जी आओ जल्दी आइए, चार डालना मछली में, चार की देगा नहीं है, आराम से बैठा जल्दी बाजी, चार बेटे गच्चा जल्दी बाजी नहीं, गर्वित 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 का तो बनी है, अरे हम सुनो, अरे पहन लीजिए खुला, लालची मछलियां है ये ऐसे, इनके मुंह देखो कैसे, मछली मछली को खा गई, मैंने कहा आ जाइयो तब खा के जाइयो, मथुरा पहुंच गया अब तो, उसकी बहन थी बुड्ढे की वहां पे,
बोल दी थी, पैक करा ले थी कि मुझे तो भूख भी नहीं लग रही, और थोड़ी देर बाद कि भैया भूख लग रही है, अब तो होटल पर रोक दे। ठीक है भैया, मैं बता दे रहा हूँ, 3 साल हो गए मुझे गाड़ी लिए, 3 साल में पहली बार मिली। मथुरा में लस्सी मिली, वो क्या टेस्ट थी वृंदावन की लस्सी, माँ कसम मैं तो एक गिलास और पी लेती तो ठीक है। अरे मैंने कौन सा मना करा था, पिया।